नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडोल, मेरे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं सोमवार के लिए मतलब थर्ड फेबरवरी 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए। इसमें मैंने निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करूँगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा और प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन दिखाऊँगा। और ये वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और जो मैंने बाय लेवल और सेल लेवल देखा था, वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, इक्विटी फ्यूचर्स, कमोडिटी और इनसाइड द ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, 100 डे स्ट्रेटजी और NR4 NR7 कैंडल स्टिक पैटर्न, वो भी आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारा चार्ट का सेटअप है जो भी आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और बहुत सारे स्ट्रेटजी स्टेटमेंट्स हैं, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, जो आपकी आप लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो और ये जो बाय लेवल सेल लेवल का एक्सेल फाइल मैंने मैंने जो बाय ये जो बाय लेवल सेल लेवल का स्कैनर मैंने रेगुलर बेसिस पे देता हूँ आप लोग को, तो वो भी उसका व्हाट्सएप का ज्वाइन करने का लिंक आप लोग को मिल जाएगा। उधर मैंने पूरा फाइल शेयर करता हूँ और इसमें क्या क्या है, कैसे स्क्रीनिंग करना है, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। ये फाइल आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और तो देखते हैं चार्ट में निफ्टी का, आप लोग जानते हैं आज बजट कैसे रहा, इसीलिए मार्केट बहुत ही गिर चुका है। तो अब कल ही मैंने बोला था कि कल का जो कैंडल दिया था, तो बजट कैसा होने वाला है और कैसे बिहेव करेगा, तो देखिए बहुत ही बड़ा एक बुलिश कैंडल लगा है, मार्केट पूरा गिर गया है। तो इसका देखिए इधर सपोर्ट है 11,637 जो 630 पकड़ सकता है, 630 में इसका फर्स्ट सपोर्ट है। उसके बाद इधर 11,320 में इसका सपोर्ट है। उसके बाद ये सपोर्ट लेगा 11,100। उसके बाद ये 10,949। उसके बाद ये 10,742 तक आ सकता है। और इधर पहुँच जाने के लिए इसका ऊपर जाने के लिए इसको एटलीस्ट 11,937 तक ऊपर जा सकता है। उसके बाद ये 12,039, उसके बाद 12,133 तक आ सकता है। तो लगता है इतना गिरेगा नहीं लगता है, तो क्यों नहीं लगता है वो बाद में दिखाता हूँ, बाद में डिस्कस करता हूँ। तो पहले निफ्टी बैंक का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी बैंक का भी ऐसा फर्स्ट इधर, एक मिनट मैंने इसका फिबोनाची लेवल ड्रा कर लेता हूँ। तो इधर इधर फर्स्ट सपोर्ट, इधर इधर फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा इधर 11,329,300 पकड़ सकता है, 350। उसके बाद 270, उसके बाद 28,929, उसके बाद 28,294, इसके बाद 27,629 इसमें आ सकता है। और ऊपर जाने के लिए इसका 30,600 का ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर इधर 30,900, उसके बाद ये 30,000 तक आ सकता है। तो इसका ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा, तो देखते हैं निफ्टी का जो PCR रेशियो है। तो मैंने क्यों नहीं बोल रहा था कि इधर ये 0.42 या 0.43 हो गया, तो इसका ये कॉन्ट्रैक्टेड मतलब रिवर्सल जरूर आएगा। बजट का इम्पैक्ट कुछ भी हो तो फर्स्ट सेशन में हो सकता है, और भी कुछ नहीं है, नीचे गिरेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड ये जरूर देगा। अभी थोड़ा सा लॉन्ग या रिट्रेस होने का आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। 11,800 में इसका रेजिस्टेंस बना है,
और इधर सबसे ओपन इंटरेस्ट और वोलेटिलिटी भी थोड़ा सा कॉल साइड में कम हो गया और पुट साइड में बढ़ा है। पुट साइड में 11,600 में सपोर्ट लिया है, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इधर है और इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है और इधर आईवी भी थोड़ा सा बड़ा है तो लॉन्ग थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है कि इधर जगह इतना हैवी जो शॉर्ट का शॉर्टिंग हुआ है थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग तो जरूर आएगा इधर कॉल साइड में। और 0.42 या 43 के नीचे जाने का एटलीस्ट 0.40 या 0.39 0.38 पीछे रेसिंग हो सकता है, उसके ज़्यादा नहीं हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट 0.35 मैक्स टू मैक्स, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट इसको लेना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा रिट्रेस होने के लिए आप लोग देखने के लिए तो यह रही जरूर रिट्रेसमेंट आएगा। और बैंक निफ्टी भी ऐसा है कि बैंक निफ्टी की बीसीआर रेशियो 0.42 0.43 है तो इधर 30,500 में इसका रेजिस्टेंस बना है, हेवी शॉर्टिंग हुआ है आज, बहुत ही शॉर्टिंग हुआ है। 30,000 में भी इसका रेजिस्टेंस था और इधर आई भी कॉल साइड में भी आई भी कम गया है और साइड में अभी बढ़ा है। इधर पुट शॉर्टिंग हो रहा है, हेवी सॉरी पुट में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है और 29,500 में इसका बिल्डअप है तो इधर थोड़ा सा आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 0.40 या 0.35 तो आ सकता है, हो सकता है बजट का इम्पैक्ट थोड़ा सा और भी गिरेगा तो, लेकिन ये रिवर्सल जरूर लेगा क्योंकि पीसीआर रेशियो जो है इसको फिर से 1 के आसपास जाना ही पड़ेगा, 1 के ऊपर जाना ही पड़ेगा तो रिट्रेसमेंट आएगा जरूर। और इधर प्रोबेबिलिटी देख लेता हूँ एक बार, जो 5 दिन के हिसाब से थर्सडे इसका एक्सपायरी है तो इसका हिसाब से 11,600 में इसका निफ्टी का सपोर्ट है, 11,800 में इसका बना है, 11,600 प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, देखना पड़ेगा क्या होता है। सब समय प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन परफेक्ट नहीं होता है। और इधर बैंक निफ्टी भी नीचे जाने का इंडिकेट कर रहा है तो मैंने 22,000 लेवल रात में दे दूंगा और लाइव मार्केट में आप लोग जो लोग ज्वाइन करता है मेरा पेट सर्विस में तो उसमें लाइव मार्केट में भी टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाता है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लेवल में आप लोग देख सकते हैं तो लेवल में काम करना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मार्केट किधर भी जाता है तो ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, रात में आप लोग को लेवल भी दिखा दूँगा।